मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि पृथ्वी की आकृति जो आई थी अर्थात अर्थ इज अर्थ लाइक, इसका अपना ही आकार है, इसके आकार की किसी अन्य प्राकृतिक वस्तु से तुलना नहीं की जा सकती। अब इसमें सूर्य की किरणों के अनुसार अलग अलग कटिबंध हैं, जैसे 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी और 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो मैं काले मार्कर से आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार 23.5 डिग्री से 64.5 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय उत्तरी और शीतोष्ण कटिबंधीय दक्षिणी, और इसी प्रकार 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। पृथ्वी के धरातल पर ये कटिबंध सूर्य की किरणों के अनुसार पाए जाते हैं, जैसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सूर्य की किरणें धरातल पर लगभग सीधी पड़ती हैं, अधिक गर्मी कम सर्दी, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कम गर्मी थोड़ी ज़्यादा सर्दी, और शीत कटिबंधीय क्षेत्र उत्तरी और दक्षिणी, इसमें गर्मी बिल्कुल नहीं और बर्फ़ जमी रहती है, वर्ष में लगभग 9 महीने, साल में लगभग 9 महीने बर्फ़ जमी रहती है। इन्हीं कटिबंधों के अनुसार या पृथ्वी पर सूर्य की किरणों के अनुसार अलग अलग कटिबंधों का तापमान भी अलग अलग पाया जाता है। इसमें तापमान ही मच्छरों की उत्पत्ति का कारण बनता है। स्लाशी लैंड्स हैं, दलदली क्षेत्र हैं, अमेजन नदी घाटी है, मिसिसिपी नदी वैली है दक्षिणी क्षेत्र, मध्य अमेरिकी क्षेत्र हैं, इन सभी में मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पाया जाता है, और भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में मलेरिया लगभग समाप्त हो चुका है, ऐसा बताया गया है। इसमें आप ये देखिए कि अमेरिका और कनाडा, इनमें मलेरिया नहीं पाया जाता, नॉर्मली उन्मूलन हो चुका है। मेक्सिको के लगभग दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं, इसी प्रकार से ब्राज़ील के दक्षिणी अमेरिका में, ब्राज़ील के पूर्वी तटीय मध्यवर्ती दक्षिणी और सूरीनाम इक्वेडोर और न्यू गिनी के, ये इन सभी क्षेत्रों में जो रेड कलर से आपको प्रदर्शित किए गए हैं, इनमें मलेरिया पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्रों में मलेरिया लगभग नहीं है। इसी प्रकार यूरोप में देखिए, अफ्रीका में देखिए, मध्यवर्ती पूरा अफ्रीका लगभग बहुत कम, भारत के क्षेत्रों में, भारत, बर्मा, म्यांमार नाम हो चुका है इसका, नेपाल और पूर्वी क्षेत्रों में जिसमें कंबोडिया, सिंगापुर, अलग अलग प्रकार के ये जो द्वीप हैं इंडोनेशिया के, और इनमें सभी में मलेरिया पाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर क्षेत्र जहाँ मैं आपको पॉइंटर से बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आते हैं। इसी प्रकार से मध्य अमेरिका में देखिए, नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर, पनामा, कोस्टा रिका, निकरागुआ, होंडुरस, बेलाइज, एल सल्वेडोर, गुटेमाला और मेक्सिको,
इनमें भी मलेरिया इस चित्र से आप देख सकते हैं, इस मैप से आप देख सकते हैं कि इनमें उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है। मलेरिया का जो इरेडिकेशन का कार्यक्रम है, उन्मूलन का कार्यक्रम है, वो आम तौर से अफ्रीका के पूर्वी और भारत के उत्तरी और अन्य सभी क्षेत्रों में जहाँ मलेरिया ज़्यादा से ज़्यादा है वो पाया जाता है। जो इस मानचित्र पर जो वाइट क्षेत्र आपको प्रदर्शित किए गए हैं, इन क्षेत्रों में क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र हैं, इनमें मलेरिया आमतौर से नहीं पाया जाता। तो भारतीय क्षेत्रों में थोड़ी गंदगी और तापमान के अनुसार तथा स्वच्छता क्लीनिनेस कम होने के कारण मलेरिया का मच्छर पैदा होता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में मलेरिया धीरे धीरे करके वो बिगड़ जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है और धीरे धीरे करके मच्छरों की उत्पत्ति लार्वा से होती रहती है, जिसके कारण ये सभी क्षेत्र मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं। जो मैं आपको बता रहा था, ज्वाइंट पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग ज़्यादातर मानवीय संबंधी छोटी छोटी समस्याएं, शारीरिक समस्याएं पैदा होती रहती हैं, क्योंकि तापमान की बड़ी भारी विभिन्नता है। भारत में सर्दियों में तापमान काफ़ी कम हो जाता है और गर्मियों में तापमान 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस कहीं कहीं राजस्थान के और क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसके कारण गंदगी और तापमान ये मच्छरों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं और मानवीय जीवन को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार आप देखिए अन्य क्षेत्रों में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, रशिया, कनाडा, अलास्का और यूएस तथा ग्रेट ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन आदि क्षेत्रों में मलेरिया लगभग नहीं पाया जाता। उन क्षेत्रों में मच्छर, मक्खी और छोटी पतंगे आदि नहीं पाए जाते, जिसके कारण वहाँ लोगों का जीवन काफ़ी सरल है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोगों का जीवन काफ़ी कठिन हो जाता है। छोटी मोटी बीमारियाँ मानवीय जीवन में पाई जाती हैं। इसके लिए तापमान का तो है ही है, अपने को अपने आसपास का वातावरण काफ़ी स्वच्छ रखना है, अपनी हाइजीन का अपन ने पूरा ख्याल रखना है, अपने आसपास के हाइजीन का क्षेत्र का पूरा ख्याल रखना है और भौगोलिक वातावरण को साफ रखते हुए हमें कोशिश करनी है कि हम अपने क्षेत्र से मलेरिया का उन्मूलन कर सकें, उसको इरेडिकेट कर सकें। धन्यवाद।